तहसील सभा कक्ष में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में दिनों दिन आमजन का रुझान कम होता जा रहा है। मंगलवार को अधिकारियों के समक्ष सामान्य सी परेशानी लेकर महज 6 लोग ही आवेदन लेकर पहुंचे। आवेदकों का कहना है कि ज्यादातर समस्याओं के लिए अधिकारी संबंधित विभाग को टिप लगाकर आवेदन भेज देते हैं, लेकिन फिर भी उचित निराकरण नहीं होता है। जन सुनवाई में पहला आवेदन देकर ग्राम गंभीरिया के ग्रामीण नवल प्रजापति ने बंटवारा प्रकरण में जानकारी नहीं देने की शिकायत की। दूसरे आवेदन में ग्राम खजूरिया जागीर की बुजुर्ग दंपति ने वृद्धावस्था पेंशन बंद हो जाने की लिखित शिकायत की। तीसरे में ग्राम परसोरिया की सीमा साहू ने स्व सहायता समूह के अध्यक्ष पद से हटाने के संबंध में आवेदन दिया। चौथे आवेदन में ग्राम लायरा के कृष्णकांत सिंह ने नल जल योजना के तहत की गई 7 माह की मजदूरी की राशि दिलाने की मांग की है। पांचवें आवेदन में ग्राम बंद्रा वठा के आवेदक ने आम रास्ता खुलवाने की मांग की है। वहीं छठे व आखिरी आवेदन में ग्राम खड़ा खेड़ी के प्रदीप अहिरवार ने पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना पत्र देने की मांग की है। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।